सबसे पहले है भारत। भारत एक देश का नाम है, इसलिए ये पुल्लिंग है। जितने भी देशों के नाम होते हैं वो सभी पुल्लिंग में होते हैं। आगे है उड़िया। उड़िया एक बोली है, तो जितनी भी बोली या भाषाएं होती हैं वो स्त्रीलिंग में होती हैं। गंगा। गंगा एक नदी का नाम है। बच्चों, जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी स्त्रीलिंग में होती हैं। पीपल। पीपल एक पेड़ का नाम है। तो बच्चों, जितने भी पेड़ के नाम होते हैं, जैसे आम, जामुन, बरगद, सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। तो यहाँ पर एक पेड़ का नाम है पीपल, तो ये पुल्लिंग शब्द है। चावल, ये एक अनाज का नाम है, तो ये पुल्लिंग में है। रोहिणी। रोहिणी एक नक्षत्र का नाम होता है, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। अवधि। अवधि एक बोली है, भाषा है, तो बच्चों ये स्त्रीलिंग में है। हीरा। हीरा एक रत्न है, तो ये पुल्लिंग में होगा। आगे है शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द क्या होगा। पंडित। पंडित पुल्लिंग शब्द है, तो हम इसे लिंग बदल कर क्या लिखेंगे, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल कर पंडित का क्या लिखा, पंडिताइन। आगे है बुद्धिमान। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग होगा बुद्धिमती। बुद्धिमान पुल्लिंग में है और स्त्रीलिंग में क्या होगा, बुद्धिमती। माली। माली शब्द पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है, मालिन। नायक। नायक भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में होगा नायिका। बिलाव। बिलाव पुल्लिंग शब्द है, तो बिलाव का स्त्रीलिंग शब्द है बिल्ली।